आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता हूँ, और मुझे बहुत नर्वसनेस है, नींद नहीं आती, ऐसे सिम्टम्स लेके एक युवक आया। तो आज आपके सामने मैं बात करने वाला हूँ डिप्रेशन किस तरह से प्रेजेंट करते रहता है, अलग 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 तरह प्रेजेंट करने का। तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन मतलब नर्वसनेस, सैडनेस की जो बीमारी है, उदासीनता, ये बीमारी बहुत ज़्यादा जोर से दुनिया में फैल रही है और हमारे देश में भी फैल रही है। 2015-16 का जो सर्वे है, वो सर्वे के अनुसार 15% भारतीयों को मानसिक सलाह की ज़रूरत है और मानसिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसा पाया गया। 15% मतलब 6 में से 7 में से 1 व्यक्ति, 7 में से 1 पकड़ो, उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, मेंटल हेल्थ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसको। और उसी समय का आंकड़ा जो है कि 20 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन है, मतलब 5%। आज दुनिया में 28 करोड़ लोग, कम से कम, अभी ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है ये, 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से ग्रसित है जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हमारे देश में 14% युवकों को जो 16 से 24 साल के हैं, 16 से 24 साल, ये उम्र में 7 में से 1 व्यक्ति, मतलब 14% युवकों को फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है, उनको डिप्रेस फील होता है और उनको काउंसलिंग की ज़रूरत या साइकोथेरेपी की ज़रूरत लगती है, ऐसा उनको लगता है, कोई ना कोई सपोर्ट होना उनको लगता है, मानसिक सपोर्ट चाहिए, ऐसा वो रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हैं। ये जो युवक की बात कर रहा हूँ डिप्रेशन लेके मेरे पास में आया, एक्चुअली वो आया कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है और आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, और उसने ये बताया कि भाई मुझे आत्मविश्वास नहीं, मैं लोगों में जाता नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ। भाई कितने दिन हो गए? बोले अभी 2 से 3 महीने हो गए करीब करीब, धीरे 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 शुरू हो गया और मुझे बहुत ही डाउन फील होता है, लो फील होता है, मुझे कोई किसी में रुचि नहीं है, नींद नहीं आती है, फिर खाली खाली सा लगता है, निराशा आई हुई है, बहुत ही निराशा है, रोना आता है, फिर बहुत कभी कभी चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, और फिर लगता है कि कुछ खाऊं नहीं, मतलब कहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा, ऐसा लगता है। तो ये पूरे लक्षण जो है वो डिप्रेशन के, और वो इसलिए आए कि उसको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है और कॉन्फिडेंस मेरा चले गया। तो फिर उसको देखा कि क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्या हुआ। तो यूजुअली ये उम्र में जो है वो ब्रेकअप का ही पहला लक्षण रहता है कि भाई ब्रेकअप हो गया, लड़की ने मना कर दिया। और वो क्यों हो गया? क्योंकि लड़की के साथ में उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने की एक बार कोशिश किया, उसका हुआ नहीं, वो डर के मारे इरेक्शन ही नहीं हुआ, उसको लगा कि मैं कर सकूँगा नहीं कर सकूँगा, और जैसे ही वो नहीं हुआ उसका, तो वो लड़की शायद पहले से एक्सपीरियंस होंगी, उसने बोला कि तुमको जम नहीं रहा है, तुम कोई आदमी में नहीं है, और उसने तब से रिश्ता ही तोड़ दिया। जैसा उसने रिश्ता तोड़ दिया, इसको डिप्रेशन आया, बहुत ही नर्वस और बहुत डाउन हो गया। वैसे कोई डेथ हो गई, वो कारण हो सकता है कि कोई डेथ घर में हो गई, या बहुत क्लोज रिलेशनशिप में डेथ हो गई, या डिवोर्स हो गया, सेपरेट हो गए, या कोई और बीमारी है दूसरी, या जॉबलेस है, नौकरी चली गई, या व्यापार जो है वो बैठ गया, चल नहीं रहा है, बैंकरप्सी हो गई, पैसे का प्रॉब्लम है, लोन है, ऐसे बहुत सारे कारण रहते हैं। और इसके अलावा जीन्स का, अनुवंशिकता का भी एक कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस का भी एक कारण है। तो जो लड़का मेरे पास में आया था 28-29 साल का, तो उसको जब मैंने बातचीत किया तो उसको ये आँखों में आँख डालना नहीं जमता, फिर नीचे मुंडी करके बात करेगा, उसको लो लगेगा, आराम से धीरे धीरे बात करेगा, काम में मन नहीं है, उत्साह नहीं है, और उसको लगता है कि अभी मैं कुछ काम का नहीं हूँ, और अभी खुदकुशी के, आत्महत्या करने के विचार आते हैं। तो उसको नेचुरली मैंने काउंसलिंग किया, उसको हिप्नोथेरेपी सेशन दिए, उसको एंटी डिप्रेसेंट्स दिए, और एंटी डिप्रेसेंट्स में काफ़ी सारे हैं, जैसे SSRI है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है, नए एंटी डिप्रेसेंट्स आ रहे हैं, तो और मूड एलिवेटर्स भी हैं कुछ, मोडाफिनिल जैसे। तो ये देखे उसको काफ़ी रिलीफ हुआ और वो अच्छा हो गया। क्या होता है कि यूजुअली ये युवक जो है ये अकेले पड़ जाते हैं, इनको कोई समझ नहीं पाता, ये किसी को घर में बताते हैं, माँ बाप को, कि मुझे ऐसा लग रहा है, बोलते हैं हाँ ज़्यादा चिंता मत कर, बहुत ज़्यादा सोचता है तू, ऐसा करके उसको उड़ा देंगे। अच्छा, ब्रेकअप हुआ, ये घर में बोल भी नहीं सकता था, वो कारण क्या है, कुछ नहीं है,
और फिर इससे प्रॉब्लम होते रहता है। तो ये इलाज करना जरूरी है। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी के सलाह की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप आपके कंसल्टेंट से बात कर सकते हो, साइकोथेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से बात करके, काउंसिलर से बात करके आपका डिप्रेशन जो है वो रिलीव कर सकते हैं। और आप मेडिसिन लेते हैं और मेडिसिन से हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी ठीक हो जाता है यदि है तो, और बहुत ही फास्ट फायदा होता है। अभी जो मेडिसिन निकली है उससे बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। क्या होता है, इनको एक बार नींद आ गई ना अच्छी, और 7-8 घंटे की इनकी नींद पूरी हो गई, तो फिर उनको जल्दी अच्छा होना चल हो जाता है। क्योंकि एक बार नींद हो गई तो डिप्रेशन जल्दी अच्छा रिकवर होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।